नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे सकुशल होंगे और अपने फैमिली के साथ होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। एक बहुत अच्छा ऐप है, मुझे लगता है आप लोग इस ऐप के बारे में जानते होंगे। जी हां, मैं काइंड मास्टर ऐप की बात कर रहा हूं, क्योंकि काइंड मास्टर एक अपने आप में बहुत अच्छा ऐप है और मैं आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आप यूज करेंगे। एक एक चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूज करेंगे, कैसे प्रोफेशनल वे में आप वीडियो एडिट करेंगे। क्योंकि देखिए, इनिशियल लेवल में जब हम अपने YouTube चैनल की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के इनिशियल लेवल के वीडियो मैं बना दूं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। काइंड मास्टर की जो एप्लीकेशन है अपने आप में बहुत अच्छा ऐप है। मैंने बहुत सारे वीडियो अपने जो है इस काइंड मास्टर से एडिट किए हैं, तो मैं जानता हूं ये भी वीडियो आपको जैसे मेरे पिछले वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करा है। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, आपने मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मैं दयानंद सोनी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड लीड जनरेशन एक्सपर्ट, आपको बताऊंगा एक एक चीजें बताऊंगा बारीकी से। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मैं नए वीडियो अपलोड करता हूं उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको जाए। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड, आप अपने फैमिली मेंबर या अपने आप दोस्तों को शेयर करें और वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ले पाए। तो मैं बिना समय लिए आपका लेके चलता हूं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पे। लॉगिन करते हैं हम लोग, और अभी हम लोग यहां इस काइंड मास्टर के मेन पेज पे हैं। यहाँ पे वीडियो कैसे बनेगा मैं ये चीज़ें आपको बताऊंगा। बाकी किसी चीज़ों को आपको छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि इनिशियल लेवल में हैं आप और मैं इतनी जानकारी आपको दे दूंगा। तो यहाँ भी जितने भी बटन हैं इनको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधा जो आप बीच में देख रहे हैं कि ये जो प्लस का निशान है इसमें वीडियो एडिटिंग होगी, तो मैं उस पर चलता हूँ। ये सारे वीडियो जो मैंने बनाए हैं उसका आइकॉन आपको दिख रहा है, तो मैं क्लिक करता हूँ और आपको जो अपने हिसाब से आपको वीडियो बनाना है। एक्चुअली मैं ये 1600-900 के रेशियो में बनाता हूँ। तो एक्चुअली ये जो व्यू है ये मोबाइल में भी और आपके लैपटॉप मतलब आपके मोबाइल व्यू में भी बहुत अच्छा दिखता है, साथ में ही आपका HTML व्यू में मोबाइल जो भी वेबसाइट है उसमें भी अच्छी दिखती है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अभी हम लोग इसके इंटरफेस पर आ गए हैं कि ये बहुत सारे बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ प्ले का बटन है। तो अब इसमें बात है कि वीडियो बनाना कैसे है। आप इसके साथ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन के साथ भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको चीज़ एक ध्यान रखना होगा, आपको अपना बैकग्राउंड ग्रीन रखना होगा। ऐसे बहुत सारे कलर हैं, आप किसी भी कलर का बैकग्राउंड रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन बैकग्राउंड में चेंज करना आसान होता है, मैंने इसलिए किया है, मैंने इसलिए आपको मैं ग्रीन बैकग्राउंड ही रेकमेंड करूंगा। सॉरी, तो मैं बढ़ता हूं आगे। जैसे अभी बैकग्राउंड हमें बनाना है अपने इमेज का बैकग्राउंड बनाना है, तो मैं मीडिया पे जाता हूं, जो आपने बैकग्राउंड आपने स्टोर करके रखे हैं उस बैकग्राउंड को आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ये बैकग्राउंड चूज करा है, तो मैंने इस बैकग्राउंड को ले लिया, ये यहाँ पे आता है। इसके बाद मैंने इसको थोड़ा कर्सर पीछे लिया, उंगली रखेंगे तो पीछे आ जाएगा। इसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड आपका आ गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर इसमें आपको कुछ चीज़ें सेटिंग करनी पड़ेंगी, नहीं तो जैसे आपका वीडियो चलेगा ये पेज भी ऊपर आता रहेगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पे बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रीन ये जो हाईलाइट हो गया अभी, सॉरी ये हाईलाइट हो गया। इसके बाद एक यहाँ फ्रेमिंग का बटन दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऊपर में एरो का निशान बना है, उसके नीचे एक ये है एक बटन है। उसके बाद आपको कैप्चर फ्रेम एज एड लेयर कर देना है, कैप्चर फ्रेम एंड एड एज लेयर कर देना है। ये क्लिक करेंगे तो ये बीच में आपका ये आ जाएगा। इसको दोनों हाथ की उंगली से पकड़ के दोनों हाथ की उंगली लगाएंगे, मिडिल में रखेंगे डिस्प्ले के और इसको ऐसे फैलाएंगे, इसको फैला देंगे। आप देख सकते हैं ये अभी ये हो गया पूरा, अभी ये फिक्स हो गया। आपकी मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए अभी आपका जो डिस्प्ले है वो मूव नहीं करेगा। एक्चुअली आप इनिशियल लेवल में है
तो मैं आपको एक्चुअली रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। जैसे आपको एक एप्लीकेशन है, मैं आपको बताता हूँ, वो एक्चुअली एप्लीकेशन महंगा है, तो फिल्मोरा है और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो पेड वर्जन है उनके, 5 से 6 हज़ार का उनका परचेस करना होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इनिशियल लेवल में आप परचेस नहीं करें, और मैं काइंड मास्टर में इतनी मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि इनिशियल लेवल में आप उस जैसा काम कर पाएंगे। तो ये देखा मैंने, अब आपको चेक क्या करना है कि आपको आपकी इसमें वीडियो की लेंथ कितनी है, कितने मिनट की वीडियो है, आपकी वीडियो की लेंथ कितनी है। आप इस पर रखेंगे इस फोटो पर, जैसे ही ये इस साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं 13 सेकेंड हुआ, 28 सेकेंड हो गया, ये 24 सेकेंड हुआ, ये 57 सेकेंड हुआ। इसके अकॉर्डिंग यू कैन एडजस्ट योर वीडियो साइज ऑल्सो, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी जितनी वीडियो की साइज़ है उतनी एडजस्ट कर सकते हैं। और इनिशियल लेवल में मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप छोटे छोटे क्लिप बनाएं, या आप हाउस वाइफ हैं, या आप स्टडी कर, आप स्टूडेंट हैं, या आप कुकिंग में एक्सपर्ट हैं, या आपकी कोई नीस है, तो आप नीस चूज़ कर लें और उस नीस के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएं, 2 मिनट के 3 मिनट के 5 मिनट के, क्योंकि आप अभी इनिशियल लेवल में हैं। अगर आप अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, लंबा वीडियो आप ले सकते हैं। एक्चुअली लंबे वीडियो बनाने में आपको पूरे कंसेप्ट पूरे याद रखने पड़ते हैं, उनका एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, ये चीज़ें इनिशियल लेवल में थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि छोटी वीडियो ही आप बनाएं। अभी देखा आपने ये फ़ोटो कैसे पीछे जा रहा है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नीचे वाले पे रखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, फिर इसको राइट साइड में लेके आप इसको यहाँ तक, जहाँ जितनी वीडियो की साइज़ है आप वहाँ ला सकते हैं। ये देखिए अभी आपके सामने दिख रहा है, ये ज़रा भी डिस्प्ले में मूव नहीं कर रहा, ये आपका बैकग्राउंड रेडी हो गया। आप चाहे कैसा भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, एक बार मैं फिर करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं मीडिया में आता हूँ, मीडिया में जो मैंने अपने कैप्चर पेज है, आप कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। मैं इस बैकग्राउंड को लेता हूँ, एक्चुअली इसके साथ वीडियो है तो मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ, तो मैंने इसको अभी कर दिया। आप देख रहे हैं इसमें भी सेम है कि ये पेज जो है चलते जा रहे हैं। तो आपको सेम जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे क्लिक करना है और कैप्चर फ्रेम ऐड एज लेयर कर देना है, इसको दोनों फिंगर से यूज़ करके आपको बड़ा कर देना है। इसके बाद आपको ऐसे इसको लंबा कर देना है, ये बहुत सिंपल है, आप पहली बार में ही इसको कर सकते हैं। मैंने 1 मिनट 50 सेकंड का रखा है, तो मैं अभी आता हूँ। अभी आपकी हो गई, अभी आपकी बैकग्राउंड हो गई, अभी इनको मिलाना है, अभी छोटा बड़ा साइज है, इसको प्ले करके हम लोग एक बार देखते हैं। देखिए अभी प्ले करके देखते हैं, अभी क्या करना है। अभी जैसे आप सोचते हैं कि मेरा कोई स्टार्टिंग में मेरा लोगो आएगा या मेरी म्यूजिक चलेगी, तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। आपको जाना है, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वीडियो है तो वीडियो ऐड करने के लिए आपको लेयर में जाना पड़ेगा, मीडिया में जाइए, मीडिया में जहां आपने रखा था, जहां रखा था बैकग्राउंड आपको चूज करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड में रखा है, मैंने किस में रखा था, हाँ मैंने डाउनलोड में नहीं रखा, किस पे रखा है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा समय लग रहा है मुझे याद नहीं, एक्चुअली मैं स्क्रीनशॉट डाउनलोड का, अभी ये देखिए इसको ऐसे कर देना है। अभी देखिए अभी आप कोई भी कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड लगा सकते हैं, इसके बाद आपका वीडियो इसमें ऐड हो जाएगा। इसकी साउंड भी है, आप साउंड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें साउंड आप जैसे लगाएंगे साउंड भी दिखेगी। एक्चुअली साउंड मैं इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट और साइड राइट साइड में ये म्यूजिक के चल रहे हैं, मैं एक्चुअली डिस्टर्ब होगा इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ म्यूजिक, तो आप कुछ भी ऐसे लगा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये म्यूजिक आएगा आपका, इसके बाद वीडियो आएगा, ठीक है।
तो अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे वीडियो आपको ये तो हो गया आपका, और आपको लगता है कि ये मेरा यहाँ से आपका वीडियो चलेगा यहाँ से, तो आप एडजस्ट कर लें। आप देख रहे हैं मूव हो रहा है ये लेफ्ट राइट में, तो वीडियो आपको यहाँ से रखना है। तो यहाँ आप कर्सर को यहाँ पे बना लें, इसके बाद लेयर पे क्लिक करें, मीडिया में जाएं और जो वीडियो आपको रखना है। जैसे मैं कैमरा में जाता हूँ, मैं एक सॉरी एग्जांपल के लिए मैंने ये वीडियो लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बैकग्राउंड को हम लोग चेंज कैसे करेंगे। मैंने क्यों सजेस्ट किया था आपको बैकग्राउंड ग्रीन रखने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस पेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी कर सकते हैं, आप देखिए मैं इसको घुमाता हूँ, कैसे भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस पेज को लंबा मोबाइल में हॉरिजॉन्टल डाउनलोड किया था, इसलिए ऐसा दिख रहा है। आप कैसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप देखिए एडजस्ट हो गया, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। अब कभी होता क्या है ना कि जब रिकॉर्डिंग होती है तो इस ग्रीन साइड के अलावा बहुत सारे साइड में आ जाते हैं जिन्हें हमें कटिंग करनी होती है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉपिंग में जाएंगे। क्रॉपिंग में जाने के बाद जितना लेफ्ट जितना राइट चाहिए उसको हम लोग कट कर सकते हैं। ये देखिए ये कट हो गया, और ये मैंने ओके कर दिया। अभी हम इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमें जाना है चॉम की में गए, इनेबल हमने इसको किया। अब आप देख इसके बाद आपको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखिए जितना पेज है, मैंने एक्चुअली आपको इसलिए बोला था बैकग्राउंड ग्रीन रखने के लिए कि ये बैकग्राउंड इजी वे में हो जाता है क्लियर। देखिए बहुत सारे कलर है इसमें, आप कोई भी कलर के बैकग्राउंड रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया है और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि देखिए चॉर्मा की के रिकमेंडेड कलर हैं, इसलिए मैं आपको यही, आप रेड भी रख सकते हैं। एक्चुअली बाकी कलर का ग्रेन्स होता है, लेकिन ग्रीन जो कलर है ना उसका ग्रेन्स नहीं होता, वो इजी वे में रिमूव हो जाता है। तो ये देखिए मैं अभी इसको रिमूव, जो कलर था मैंने उसे चूज कर लिया, मैंने इस पर सेलेक्ट किया। अगर रेड है तो रेड पे करेंगे तो रेड आ जाएगा, ग्रीन करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, और उसके बाद ग्रीन करने के बाद आपको इसमें, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे ये हम लोगों ने अभी, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको। अभी ये देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, जैसे मैं, आप देखिए दो कर्सर हैं यहाँ, मैंने इसे इनेबल कर दिया और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। आप देख सकते हैं कि दोनों के कलर में अभी अंतर आ रहा है। आप देखिए अभी आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे, देखिए मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए ये, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ। अब देखिए आपको इसमें कहीं से भी कुछ भी आपको नहीं दिखेगा कि यहाँ पे ग्रीन कलर की थी। अगर आपको थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना है, फिर यहाँ पे जाएं, फिर यहाँ हल्का करें, ज़्यादा हल्का नहीं करने की ज़रूरत है, जितना एडजस्टमेंट चाहिए उतना ही करें। उसके बाद अगर इससे भी, ये डिटेल क्रीप का है, इसको इससे भी आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं कलर में। आप देख रहे हैं थोड़ा सा अंतर इसमें आ रहा है, तो इसको भी जहाँ रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लें। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि आपको इसको देखने के बाद, इसको करने के बाद एक समय के बाद ही आपको किसी प्रोफेशनल ऐप की जरूरत पड़ेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सारे कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए ज्ञान जो है ना, ज्ञानी आप भी हैं और ज्ञानी मैं भी हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर गूगल में सारी चीज़ें मिल जाती तो आज हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती। इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता सर, नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखें इसको, ये देखिए ये पूरा क्लियर हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक, मैं अपना खुद का वीडियो करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह और करते हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं। ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये लेयर जो है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी आपको यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे देखिए लेयर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं नाम लिखता हूँ संतोष कुमार, ये देखिए ये नाम यहाँ पे आ गया। आप कहीं भी चाहें, अभी आप चाहते हैं कि यहाँ पे
मतलब एनिमेशन कुछ हो तो यहाँ एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एनिमेशन चेंज हो जाएगा जैसे आपको एनिमेशन चाहिए होगा। देखिए ये मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, जैसे शुरू से मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने प्ले किया ये आपका जो भी स्टार्टअप वीडियो था जो भी है इसको इसको निट्रो बोलते हैं, इंट्रो है ये, इंट्रो वीडियो बोलते हैं। अभी देखिए, देखिए अभी संतोष कुमार देखिए कैसे आया था, देखिएगा, देखिए अभी आप ओवरऑल एनिमेशन कर सकते हैं, ये ब्लैंक भी होता रहेगा आप जैसे चाहेंगे वैसे, ये भी जैसे जो मर्जी आप रख सकते हैं, जैसे ही ये इसका टाइमिंग होगा इस टाइम पे वो आएगा, जैसे हमने इसे सेट किया है 8 सेकंड पे तो उसके उस टाइम पे ये आ जाएगा। ये देखिए नन कुछ नहीं करना है, बस ऐसे आना चाहिए तो बस ऐसे कर देंगे, तो ये वर्ड आपका हो गया, इसको ऐसे करना है। अभी क्या है जैसे फॉर एग्जांपल आपको नंबर चाहिए होगा, आप फिर जाएं टेक्स्ट में अपना नंबर टाइप करें, मैं ABCD कुछ भी डाल देता हूं, ये कर दिया टाइप अपने नंबर अपना। ये देखिए वाइट कलर है, इसको मैंने थोड़ा छोटा किया, थोड़ा बड़ा किया, और मैं चाहता हूं कि ये पूरे वीडियो के एंड तक दिखे, तो इसको आपको मैं ग्रीन लेता हूं, ग्रीन ले लिया। आप चाहते हैं कि ये जो नाम है और नंबर जो है जब वीडियो की एंडिंग है उस समय तक दिखे, तो इसको आप ऐसे करके राइट साइड में क्लिक करेंगे तो ये जितने देर की आपकी वीडियो होगी, ये वीडियो मैंने छोटी बनाई है आपको समझाने में आसानी होगी, इसलिए देखिए यहाँ पे इस वीडियो की एंडिंग यहाँ पे होती है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ तक एंड करता हूँ। आप देखिए इस संतोष कुमार जो मैंने नाम टाइप किया था इसको भी मैं यहाँ तक लेके आता हूँ। अभी देखिए ये वीडियो जैसे ही प्ले होगा संतोष कुमार का नाम आ गया, और जब तक ये वीडियो ख़त्म होगी ये तब तक ये चलता रहेगा। और बाकी जो चीज़ें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो मेकिंग में, तो मेरा जो यूट्यूब का जो ग्रुप है, यूट्यूब एकेडमी के जो ग्रुप है, उसमें ग्रुप में आप शेयर करें, मैं एज पॉसिबल एज आई वुड रिप्लाई यू। तो एक्चुअली दिन में शेड्यूल बिजी होता है तो बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, तो जैसे ही मैं एक्चुअली हमेशा देखता ही रहता हूँ कि कोई क्यूरी आती है कि नहीं, और मुझे उसके मैसेज भी आते हैं कोई क्यूरी आई है, तो जितनी जल्दी हो सके मैं आपको आपकी वो क्यूरी को सॉल्व कर दूंगा। तो ये हो गया। अभी मैं बात करता हूँ ऑडियो की, आपका आपने जो बैकग्राउंड दिया है उसकी ऑडियो वीडियो में ऑडियो है, अगर आप चाहते हैं तो एडिशनल भी ऑडियो ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑडियो का बटन है, इसमें ऑडियो जहाँ भी जो भी चाहते हैं आप इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं, जो कोई भी ऑडियो आपके मोबाइल में होगा उस ऑडियो को ऐड कर सकते हैं आप, रिकॉर्डेड में है, सॉन्ग में है, एल्बम से है, कहीं से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो इस वॉइस बटन पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, इस वॉइस बटन पे आपने क्लिक किया, देखिए मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया तो ये मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, तो जितनी देर तक मैं बोलता रहूँगा ये मेरी रिकॉर्डिंग करता रहेगा, और आप जितनी साइज है, जितनी वीडियो की साइज है उतनी वीडियो की रिकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने सेव कर दिया, और वीडियो की रिकॉर्डिंग नीचे हो गई है, यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो की रिकॉर्डिंग हो गई है। और एक्चुअली मैं देखता हूँ ये वॉइस मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, मैंने स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। तो ऐसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ऑडियो मैंने आपको बता दिया, इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें जब मिडिल वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको कैमरा का आएगा, अगर बैकग्राउंड आपको कहीं का लेना है एट ए टाइम बैकग्राउंड ले सकते हैं। ये कैम रिकॉर्डर का है, कैम रिकॉर्डर का बटन दबाएंगे तो कैम रिकॉर्डर चालू हो जाएगा। कैम रिकॉर्डर चालू हो जाएगा और इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि वॉइस हो गई, मैंने आपको ऑडियो बता दिया, लेयर बता दिया, आप देख के कर सकते हैं, या आप लिंक जैसे नंबर यहाँ टाइप किया आपने वैसे यहाँ नंबर आपने लिंक भी टाइप कर सकते हैं, उनके लोगो भी ऐड कर सकते हैं। आपको सेव करना होगा अपने डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड फोल्डर में, उसके बाद आप कर सकते हैं। वीडियो की आवाज़ को आप बढ़ा सकते हैं, जैसे वीडियो है यहाँ पे वॉल्यूम की है, आप देख सकते हैं इस वॉल्यूम की को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें कि वहाँ पे आपकी नॉर्मल आवाज़ की ज़रूरत है या लाउडली साउंड की ज़रूरत है। यहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं या आप मैक्सिमम कर सकते हैं। ये कलर एडजस्टमेंट है जो आपके अपने, मैं वन बाय वन करके इन्हें आपको बता देता हूं। ये एनिमेशन होगा जो मैंने आपको बताया था, ये की हो गया जिससे बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ये क्रॉपिंग हो गया और ये अल्फा है। ये चीजें थोड़ी एडवांस है, अभी आगे चल के मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कलर एडजस्टमेंट है, आपके जो वीडियो आपने बनाया है आपने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और उसके फेस के जो शाइनिंग है कलर है आप देख सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, आप अपने फेस के कलर, चेहरे के कलर, कपड़े के कलर एक साथ में अब एडजस्ट कर ले, फेस का कलर और कपड़े का कलर कैसे मैच करना है आपको। वॉल्यूम है, अगर आपको वो वॉल्यूम से काम नहीं चलता, यहाँ भी वॉल्यूम मैक्सिमम होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे मैं कर रहा हूँ वो वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, ये उसके बाद ये सबसे हाई वॉल्यूम होता है, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। मैं इसलिए कि मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता, मैंने जो पहले आपको बताया था वो वाला जो की मैंने आपको बताया था, ये जो वॉल्यूम का मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये वॉल्यूम बहुत मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो आवाज़ फटने लगेगी, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। ये वॉइस चेंजर है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इनिशियल लेवल में इसका कोई हमें काम नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, इंट्रो कैसे आपके लगाने हैं, आपका वीडियो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, सब्सक्राइब के बटन कैसे आप लगाएंगे, अपने फॉलोअप कैसे कराएंगे और साथ में ही आपको ये वीडियो के कट के बारे में मैंने बताया, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कोई कन्फ्यूज़न है, सर इसे एक बार में नहीं कर सकते, हम लोग कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी डेली, अगर आप जॉब में हैं तो डेली आधा घंटा समय निकाल के इसको वन बाय वन करके देखें। और मैंने जो मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें जो है ना बहुत यूनिक हैं, इन पर आप काम करेंगे और बाकी इन फ्यूचर अगर आपके कंटेंट अच्छे होने लगे, और जाहिर है आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी होगी, तो हमें और अच्छी की ज़रूरत है। और बाकी जो एप्लीकेशन है फिल्मोरा है वो तो अच्छे एप्लीकेशन हैं ही, लेकिन इनिशियल लेवल में हमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एप्लीकेशन पे। तो पहले अगर आप टेक्निकल पर्सन है तो आपको जानने में आसानी होगी, अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं है तो आपको थोड़ी चीज़ें समझने में समय लगेगा। अब मैं आता हूँ कि आपने वीडियो बना लिया, सब की चीज़ें हो गई, अब आपको इन्हें शेयर करना है। तो आप जब इस बटन पे, आपको बैटरी के नीचे एक बटन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप बाहर निकल जाएंगे। जैसे मैं देखिए मैं क्लिक करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, ये वीडियो मेरा यहाँ पे 1 मिनट 50 सेकंड का सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे शेयर करना है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या कहीं भी। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि फेसबुक 17 MB से ज़्यादा की फाइल शेयर नहीं करता, तो बहुत सारे वेबसाइट हैं जो वीडियो साइज रिड्यूसर हैं, जैसे पंडा आपका है, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप इस साइज़ को रिड्यूस करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी वैसे नहीं रह पाएगी। आपको इसको इसमें से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये हो गया, अब मुझे यहाँ देखिए ये प्ले का बटन है, देखिए मैं प्ले करता हूँ, देखिए ये प्ले है, आप देख सकते हैं। मैंने छोटा वीडियो इसलिए रखा कि आपको समझने में आसानी होगी।
अभी देखिए, अभी जरा भी बैकग्राउंड कैसा था इसमें पता नहीं चल रहा है, सब्सक्राइब बटन आ गया, सब कुछ आ गया। अभी देखिए यहाँ पे इसकी सेम डुप्लीकेट करने की बटन है, आपको यहाँ शेयर करना है, तो शेयर करेंगे, शेयर पे बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका इंटरनल जो 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 सिस्टम है, जो आपको चेक करना पड़ेगा पहले कि आपके, ये देखिए ये बता रहा है, कैसा लगा दोस्त जो मैंने ट्यूटोरियल बताया है आपको काइंड मास्टर के लिए। मुझे उम्मीद है जैसे मेरे पहले की वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा, ये भी वीडियो वैसे ही ऐड करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप बहुत सिंसियर हैं। आप मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरा इंटेंशन हमेशा और नए चैनल कर रहा है
कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करूं और जो चीजें मैं आपको बताता हूं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आप फायदा ले पाए। तो और मिलेंगे, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट की बात करेंगे। मैं आपकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग या आपके बिजनेस की ब्रांडिंग के लिए बहुत सारी वीडियो मैं बनाने वाला हूं। ऐसे ही आप मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स लाइक मुझे इम्पावर करते हैं, मुझे एनर्जी देते हैं कि मैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूले, क्योंकि मैं चाहता हूं ये मेरे अपलोड किए हुए वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।